Assalamu alaikum. Please subscribe our channel and press the bell icon for a new updates. इस तरह दोनों में फर्क होना चाहिए, जिसको हम शीन बोलते हैं, बड़ी शीन, छोटी शीन, इस तरह फर्क होना जरूरी है। अगर इतना फर्क करके इतना इल्म नहीं सीखा तो नमाज का तरह इबादी यानी नमाज होगी ही नहीं। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है कि हम किस तरह कुरान मुकद्दस को सीखे। अब उन्होंने कुरान मुकद्दस में दो तरह की गलतियां हम करते हैं जिसको लहन कहते हैं। एक तो हर्फ बदल जाता है, या हर्फ में कुछ कमी आ जाती है, या कुछ हर्फ में ज्यादती हो जाती है, और कहीं हर्फ बदल जाता है, कहीं हरकत बदल जाती है। तो इन सब चीजों का पढ़ना सुनना दोनों का। मसलन हर्फ बदल गया, जैसे अल्शम्दु वही है, इसकी जगह हमने छोड़ दी पढ़ दी, इससे माना बदल जाएगा इंशाल्लाह। कुछ ऐसे मीनिंग, कुछ ऐसे माने में आपको बताऊंगा, आपको बिल्कुल अंदाजा हो जाएगा कि गलत पढ़ने की नुकसान कितने, या फिर घट गया या बढ़ा दिया। मसलन कि सुदूरिन्नास, सुदू में स्वा वाव है, सुदू, इसकी वजह आप पढ़ते हैं सुदूरिन्नास, पूरा वाव गायब कर दिया, तो इससे भी नमाज नहीं होगी, क्योंकि ये कुरान मुकद्दस से घटा देना है। युवस या फिर बढ़ा देना, जैसे युवस भी सुदू, यहाँ वाव बहुत सारी आयतें, अगर इसकी सारी आयतों को
शब्द आए थे देश की। इसी तरह अल्लाह फरमाता है कुल आप फरमा दो और कुल खाओ, कितना बड़ा एक सरकार को अल्लाह का इशारा फरमाता है कि आप फरमा दो वो अल्लाह वाहद कि अल्लाह एक है और वो अल्लाह वाहद जो भी ऐसे पढ़ देंगे तो हो जाएगा अल्लाह मंसूर है मामला में सारे जिम्मेदार होंगे, एक तो घर के माँ बाप भी
है वो भी जिम्मेदार होंगे। क्यों आप कहेंगे गलत, कोई पढ़ रहा है बस्ती क्यों जिम्मेदार, इमाम क्यों जिम्मेदार, उसका बाप उसकी माँ बाप क्यों जिम्मेदार। तब सोचे वाली यानी माँ बाप इसलिए जिम्मेदार होंगे कि जिस तरह आपके दुनियावी एजुकेशन के लिए दुनियावी तालीम के लिए इतनी कोशिश है कि अगर जल्दी उठना पड़ा तो जल्दी उठे, फीस देनी पड़ी तो फीस दी, हर तरह की कोशिश की। आपने दीनी मामला के लिए कुरान मुकद्दस को सीखने के लिए क्यों नहीं कोशिश की, क्योंकि इसलिए आप लोग जिम्मेदार होंगे। और एक माँ बाप की जिम्मेदारी है, माँ बाप के ऊपर फर्ज है कि जब बच्चा पैदा हो उस पर तीन जिम्मेदारी है, अच्छा माँ बाप है और समझदार हो जाए, अच्छी तालीम दे, जब जवाब हो जाए तो अच्छी जगह शादी हो। तो तालीम की जिम्मेदारी भी माँ बाप के ऊपर, तालीम नहीं देते सही तो माँ बाप जिम्मेदार होंगे। और एक बात ये, अगर आप उसको अच्छी तालीम देंगे तो ये आपके लिए सवाब जारिया भी हो जाएगा, आपको सही कुरान पढ़ेगा, दीन की तालीम हासिल करेगा, तो जब आप दुनिया में नहीं रहेंगे, आप दुनिया से चले जाएंगे, आप नहीं रहेंगे उसके बावजूद भी वो सही कुरान पढ़ेगा, सही तिलावत करेगा, तो वो जब जब कुरान मुकद्दस की तिलावत करेगा आपको और उन्हें राहत सुकून मिलेगा। इसी तरह बस्ती लोग क्यों जिम्मेदार होंगे, इसलिए कि आपने मदरसा कायम किया, आपने ऐसे उस्तादों और ऐसे मुदर्रिसों को क्यों नहीं रखा जो सही कुरान सिखा सके, सही दीन की तालीम दे सके, ऐसे असातिज़ा को क्यों नहीं रखा, इसलिए वो लोग भी जिम्मेदार होंगे जो बस्ती हज़रात। सही कुरान के लिए आपको अगर ज्यादा तनख्वाह देनी पड़ती, अच्छे मुदर्रिस लाने के लिए आप ज्यादा तनख्वाह देके भी सही मुदर्रिस लाके उनको सही तालीम देना, ज्यादा तनख्वाह न देनी पड़े इसलिए आप आम मुदर्रिस लाते हैं जो सही से नहीं पढ़ पाता है, जो काम क्लास भी करता है और मदरसा भी पढ़ा लेता है, 1500 वर्जन में मुदर्रिस ले आते तो क्या पढ़ाएगा, अगर सही पढ़ाते तो माशाल्लाह, मगर अगर ज्यादा तनख्वाह देकर कोई सही मुदर्रिस आता है तो कि अगर 4000 भी देनी पड़े तो 4000 तनख्वाह दे के सही उस्ताद को रखना चाहिए। अगर इमाम गलत कुरान पढ़ता है तो इमाम भी जिम्मेदार होगा, और इमाम गलत कुरान पढ़ता है मुक्तदी जो सुनते हैं उनको मालूम है कि गलत पढ़ता है, उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं तो वो मुक्तदी भी जिम्मेदार होंगे और बनेगा होंगे। तो मैंने जो कुछ अर्ज किया उस पर अमल करने की कोशिश करें, और आप सोचेंगे माशाल्लाह काफी मजबूत है और काफी मजबूत।
शिक्षा का व्यवहार करता था जो बात करते हैं भगवान भरवाएं सलाम।